इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। कुलाधिपति राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के विगत वर्षों के अनुरूप आयोजित छठवें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। दीक्षांत समारोह गुरुकुल की परंपरा रही है, जिसे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह परंपरा गुरुओं द्वारा शिष्यों की कार्य दक्षता और कुशलता की समीक्षा के आधार पर उन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे जाने की प्रक्रिया होती है। आज नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। महामहिम गवर्नर साहब कुलाधिपति नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय इसकी शिरकत करेंगे और अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कि 900 से ऊपर के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें बैचलर मास्टर्स डॉक्टर्स के स्टूडेंट शामिल होंगे और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे गोल्ड मेडल भी, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, वाइस चांसलर्स गोल्ड मेडल और मन्नत उपाधि भी प्रदान की जाएगी। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर छापर में देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। सभी आरोपी नाबालिग हैं, जिन्होंने पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने तीन नाबालिगों को अभिरक्षा में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम दीपक यादव है, जो कि इंटीरियर डिजाइनर था। गोरखपुर में रिपोर्ट किया गया था, दीपक यादव अपने काम के बाद घर को जा रहे थे, जिसमें आपसी विवाद में कुछ लड़कों ने उनको चाकू मारा। प्रथम दृष्टया 307 का अपराध कायम करके इसमें जांच की गई। सुबह पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस अपराध में फिर 302 का इजाफा करके अभी जांच हम आगे कर रहे हैं। जल्द से जल्द सारे मुलजिम गिरफ्तार किए जाएंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। गौरा बाजार थाना अंतर्गत स्थित एक सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। नकदी सहित लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया और रफू चक्कर हो गए। पीड़ितों के अनुसार अज्ञात चोरों ने घर में रखी नकदी और जेवरात सहित लगभग 5 लाख पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौजूद साक्ष्यों को एकत्रित कर मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सुबह मायके में रहे हमको इस बाजू वाले ने, चाचा जी ने फ़ोन लगाया कि आपके यहाँ का ताला टूटा है, और सुबह देखा तो सब कुछ चला गया था, हमारा पूरा जेवर एवर सब कुछ था। अभी चौकी आए अजय चौधरी प्रताप प्रीतम चौधरी, उम्र 29 साल, निवासी कटिया घाट के, ये बिल्डिंग में कारीगरी बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री। इन्होंने अभी बताई कि इनके ये 5 दिन से बाहर गए थे, आज जब ये लौटे तो इन्होंने बताई कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। मंझोली के गांव सुनवानी में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। उसने रात में पत्नी का डंडा मारकर हाथ तोड़ दिया। सुबह चाय बनाने की बात पर बहस हुई, इस बात से नाराज होकर पति ने पत्नी का गला घोट दिया। यह सारा घटनाक्रम 6 साल की मासूम बेटी के सामने हुआ। पुलिस ने मासूम से घटना के बारे में जानकारी लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। मृतिका संध्या दाहिया की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। जो मौके पर जाकर देखा तो मृतिका अपने घर में मृत अवस्था में लेटी थी। मौके पर शव पंचनामा कार्रवाई और PM रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि मृतिका की मृत्यु दम घुटने से और काफ़ी मारपीट से हुई है। घटना से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिनके निर्देशन में विवेचना कार्रवाई की गई। विवेचना दौरान घटना की चश्मदीद साक्षी मृतिका की पुत्री मयूरी, जो कि 8 साल की है, उसने बताया कि मृतिका की मृत्यु जो है उसके पति हीरालाल दाहिया ने ही की है। हीरालाल दाहिया अपनी पत्नी के अत्यधिक शराब पीने से काफ़ी परेशान रहता था और किसी अन्य लोगों से मिलने पर शक संदेह भी करता था, इस वजह से उसने उसकी हत्या की।